नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा, जी हाँ, अनुपमा सीरियल में बहुत सारी चीजें हो गई हैं, कुछ बर्दाश्त हो रही हैं, कुछ नहीं बर्दाश्त हो रही हैं। आपके कमेंट्स में कई कमेंट्स ऐसे हैं जिनमें अनुपमा के ऊपर भी उंगलियां उठी हैं। खैर, अभी ये वीडियो पर्टिकुलरली बारी होती है आपके कमेंट्स जानने की, आपकी राय जानने की, आपके ऑडियोज और वीडियोस के जरिए। तो शुरू करती हूँ वो सिलसिला, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं वर्षा के ऑडियो से। मेरा नाम वर्षा। आज का जो था कि पर अनुज जैसा नहीं कह सकता, नहीं, यकीन ही नहीं हो रहा वो तुम्हारे साथ नहीं दम घुट रहा है और नहीं रहना चाहता। ये सिर्फ अनुपमा का डरावना सपना लग रहा है मुझे। इतना गलत मेकर नहीं कर सकते, वो जानबूझ के उतना ही दिखा रहे ताकि पब्लिक में और एक्साइटमेंट हो पब्लिक की, क्या होने वाला है आगे, क्या होने वाला है, बस वही है। अनुज अगर ये सब बोल रहा है और ये सही भी है तो मेकर्स ये सब गलत दिखा रहे हैं। क्या दूसरे एक माँ को दूसरी शादी करना गलत है? ये दिखा रहे हैं मेकर्स कि दूसरी शादी करनी नहीं चाहिए। पहले पति से धोखा मिलने के बाद तो किसी और पे विश्वास ही नहीं करना चाहिए। ये सब दिखा रहे हैं अभी मेकर्स। अगर वो अनुपमा का डरावना सपना नहीं है तो फिर अगर ये सच है तो यही दिखा रहे हैं। पता नहीं क्यों ऐसा दिखा रहे, क्या गुस्सा है वर्षा जी, बहुत गुस्सा है। तो मैं तो ये इस ट्रैक से ये तो नहीं समझी हूँ जो वर्षा जी समझी है कि दूसरी शादी करना गलत है या ऐसे। ये एक इमोशनल सेटबैक चला है अनुज और अनुपमा के रिश्ते में, अब जाके दोनों के करेक्टर्स पे सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है। यहाँ पे दूसरी शादी की बात नहीं हो रही है जो मुझे लगता है, बाकी वर्षा जी का अपना टेक है इस पूरे के पूरे सीन को लेके, इस पूरे के पूरे ट्रैक को लेके, उसमें बिल्कुल मैं डिनाई नहीं करती हूँ। तो वर्षा जी का ये कहना है कि दूसरी शादी करने का जो ट्रैक जो गलत दिखा रहे हैं वो सही नहीं है। तो चलिए, थैंक यू सो मच वर्षा जी, आपका पहला ऑडियो है उसके लिए आपका वेलकम है इस पब्लिक वॉइस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सुनते हैं त्रिपाठी जी का ऑडियो। हेलो, नमस्कार अंजू जी, मैं कुमुदिनी त्रिपाठी। आज का एपिसोड जो हमने देखा वो बहुत ही भावुक एपिसोड था, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था अनुपमा के लिए। अनुज ने अनुपमा को सेल्फिश बोला और कहा कि मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ छोटी अनु को, ये बात तो बिल्कुल भी हजम नहीं हुई, और कहा कि तुम छोटी अनु को भेजना चाहती हो। औरत के लिए एक कहावत याद आ गई, औरत तेरी यही कहानी, आँचल में है दूध और आँखों में पानी। अनुज के मुँह से ये कैसे निकला कि तुम उसकी सगी माँ नहीं हो, तुम क्यों रोकोगी छोटी अनु को? अनुज को ये नहीं समझ आया कि छोटी अनु को माया के साथ भेजने के लिए, कहने के लिए अपने कलेजे पर अनुपमा को कितना बड़ा पत्थर रखना पड़ा, पर अनुपमा सिर्फ और सिर्फ छोटी अनु की खुशी चाहती है। मैम, हमको लगता है कि माया पर दांव उल्टा पड़ने वाला है, छोटी अनु को अपने साथ ले जाने वाला। लगता है कि माया को बहुत ही करारा जवाब देगी छोटी अनु अपने तरीके से। देखते हैं आगे क्या होता है। मैम, एक बात ध्यान दी आपने, जब अनुपमा को कहा कि छोटी अनु माया के साथ जाएगी तब माया का फेस देखने लायक था और बहुत आश्चर्यचकित भी। अनुपमा को कितने दुख झेलने पड़े, कितना कुछ और सुनना पड़ेगा, ये बात समझ में नहीं आ रही है। एक बात और, हमको लगता है मुश्किल घड़ी में मैम सारे जेंट्स एक जैसे ही होते हैं। देखते हैं आगे अनुपमा पर और क्या क्या लांछन लगाएगा अनुज। धन्यवाद। बहुत सही कहा, औरत तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। तो अनुपमा से बहुत अटैच्ड है सब लोग और ये साफ साफ झलक रहा है त्रिपाठी जी के ऑडियो से। तो हम सब भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं, कुछ अलग तरह से सोचते हैं, कुछ आपकी तरह सोचते हैं। तो सब व्यूअर्स अपने अपने व्यूज यहाँ पे रख रहे हैं, इसके लिए आप सबका थैंक यू है। और अभी स्पेशल थैंक यू है त्रिपाठी जी का जिन्होंने अभी अभी अपना ऑडियो भेजा और हमने आपको सुनाया। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको सुनाती हूँ सीमा जी का ऑडियो। हेलो मैम। मैम, माया, अनुज और
अनुपमा के रिश्ते पर सवाल ही सवाल खड़े करके चली गई। अनुज अनुपमा से कहता तो है कि मैं नहीं छुपाता कुछ भी तुमसे, मगर कुछ दिल में बातें जो दबी हुई हैं कहीं पर, वो अनुज कह नहीं पाया। शायद अनुपमा की 26 साल की मोहब्बत ने उन बातों को कहने से अनुज को रोक दिया। लेकिन वही बातें बिंदास और बेखौफ माया ने जैसे अनुज के दिल में खंजर खोप कर निकाल दी और रख दी अनुपमा के सामने। इस रिश्ते को नजरबट्टू बनकर माया नजर लगा गई, तहस नहस कर गई अनुपमा का संसार। मगर ये तूफान के लिए केवल माया ही तो जिम्मेदार नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं शाह परिवार भी दोषी है। इसमें कोई दोराहे नहीं है कि शाह परिवार की वजह से भी इस रिश्ते में दरार आई है। अब चाहिए ये कि ये दरार भर जाए मगर खाई ना बने। सही कहा सीमा जी आपने, माया तो अपना काम करके चली गई है, अब अनुज और अनुपमा का रिश्ता कैसे संभलता है ये देखना होगा। सही कहा आपने कि खंजर घोंप दिया है अनुज के दिल में और वो सारी बातें बाहर आ गई हैं जो अभी तक अनुज ने अनुपमा से शेयर नहीं की थी। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको सुनाती हूँ राधा जी का ऑडियो। देखिए जो भी हो बात जो बोलती ले देखे अनुपमा के ऊपर, ये तो गलत चीज है ना। अनुपमा अपने हिसाब से चलती है, अब सहनशीलता से चलती है, लेकिन जब देखो तो बलराज जो उसकी बाह हो ले देखे अनुपमा के ऊपर चढ़ जाता है। 26 साल का प्यार 6 सेकंड में शेष हो गया उनका, अनुज का, ये गलत टाइप है। अनुपमा से पूरी पूरी सिंपथी है राधा जी की भी, वनराज और बा के ऊपर गुस्सा है और अनुज के ऊपर भी अब गुस्सा हो चुकी है राधा जी, तो ये फीडबैक है राधा जी की। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको सुनाती हूँ नीमा जी का ऑडियो। गुड मॉर्निंग अंजू जी, मेरा नाम है नीमा। आज के एपिसोड में बहुत इमोशनल था, इट वॉज रियली हार्ट ब्रेकिंग, हार्ट थ्रॉबिंग, सब कुछ था। I mean, Maan had gathered all the courage and the guts to let Choti Anu go. But in the dream sequence of Maya and Anupama, that Choti Anu wants to stay with her parents was very nice to see and was very interesting also. Wish that would have come out true. But having Maya is Maya and Anupama is Anupama, so both of them, I don't know if they are in their own way right or wrong, but Maya is definitely a criminal, which I feel that Anuj has not done his job of being a business tycoon. He has not even done anything apart from just going berserk with anger and blaming Anupama for all the things. As a business tycoon, he should have taken some responsibility of actually finding out who Maya is. Is she really Choti's mom? And secondly, when Choti had already confessed to Anupama that, you know, she wants to go with Maya because otherwise Maya is going to break the relationship between Anuj and Anupama. For the second, also Anupama did not think how much Anuj loved Choti, and if she was gone, how would he be able to be without her? I mean, Anupama did not think about it, and that was very surprising for me. I mean, Anupama can understand the emotions and feelings of others as they are trying to
go through the situations. But in this situation, I'm kind of, it's very surprising to know that Anupama did not understand the complete feelings of Anuj as to how is it that he is going to be without Choti. And she had also promised, what Anuj was telling was right too, Anupama had promised that she is not going to let Choti go away with Maya. But here, because Choti wanted, still, she should have discussed this confession with Anuj before letting Choti go. Even though Choti mentioned to Anupama not to let Papa know about it, but still, she should have somehow find, when she sent Choti to give the chocolates, that is when she should have confessed it immediately, that this is what Choti has mentioned to Anupama. And that is why, but she did not do the complete confession. She did not tell the complete truth. She was like halfway here, halfway there. She didn't know exactly what she was trying to achieve, what she was trying to do. She was lost also. And so also is Anuj. But Anuj blaming Anupama is not at all right. I mean, a male chauvinistic nature, a male egoistic nature is shown in a difficult situation. He should have handled the situation a little more matured and little more convincing way and supportive to Anupama, but he went berserk with anger and he just went really way, way beyond. And now in the promo that's being shown, that he just gets out of the house, will he just go directly to the airport and get Maya married and bring her home just for Choti Anu's sake? I mean, this is something weird. I mean, what is Rajan Shahi and makers are trying to show to the public? I really am not understanding ye kya ho raha hai. I mean, kya chahte hain wo makers? Kya dikhana chahte hain public ko ki dusri aurat aa jayegi aur as a criminal wo bura hai, buri hai wo sab, and usko, situation ko hum मैनिपुलेट करके वो विन कर देगी. आई मीन अनुपमा वो इतनी अच्छी है कि क्यों इतना डिफिकल्ट सिचुएशन को आना है उसको. आई मीन समहाउ मेकर्स हैव टू एक्सपोज माया इन द नेक्स्ट एपिसोड. इट्स जस्ट नॉट राइट. बिफोर शी फ्लीज द कंट्री टू लंडन, आई मीन शी नीड्स टू बी एक्सपोज इन द एयरपोर्ट एंड अनुपमा हैज़ टू टेक अ वेरी वेरी स्टर्न डिसीशन to hold on to get Anuj and Choti to her side, and she should show her 2.0 avatar that everyone, that the social media has been buzzing around. Anyway, thank you once again, Anuji, Anjuji, sorry. Hope makers expose Maya very soon. Thank you. Anuj ka Anupama pe blame karna sach mein acha nahi laga. Wahi Neema ji ne bhi kaha. सिचुएशन कैसी भी हो मगर ये ब्लेम नहीं होना चाहिए था. गुस्सा होना चाहिए था और सब कुछ होता मगर ब्लेम नहीं होना चाहिए था. तो सही कहा नीमा जी आपने. थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए. चलिए अगला ऑडियो सुनते हैं. हाय अंजू मैम, मैं आपका स्क्रिप्ट देखती हूँ और बहुत पसंद आता है. आप बहुत अच्छा बताती हैं, समझाती हैं. आई एम वेरी हैप्पी. और कल जो आपने मुझे मेरी एक बात आपने काटी थी, उसके लिए आपने मुझे जो बात समझाई थी, उसके लिए मुझे गलती करके मैं माफ़ी मांगती हूँ. मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्षमा याचना. और एक चीज़ मैं ये बात कहती आ रही हूँ कि जब से माया का ट्रैक चालू हुआ है, छोटी अनु का ट्रैक चालू हुआ है, अनुज को ये समझना चाहिए कि उनके 3 बच्चे हैं, उनके टाइम देना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि एक बच्चा सुधरा हुआ है और 2 बच्चे बिगड़े हुए हैं, मतलब एकदम बदतमीजी सीख रखे हैं. तो अनुज कपाड़े को खुद को भी उस एबिलिटी में डालना चाहिए कि शादी के बाद वो भी हमारे कुछ लगते हैं. तो उन्हें समझाना, उन्हें सिखाते, बच्चा अडॉप्ट करना ही नहीं चाहिए. ये चीज़ गलत है कि एक माँ 3 बच्चे के होने के बाद उसे पता है कि एक बहू है, उसकी छोटी बेबी आ रहे हैं, तो एकदम भी नहीं अडॉप्ट करना चाहिए. अनुज कपाड़िया को एकदम मना कर देना चाहिए कि नहीं, मैं नहीं ले सकती, क्योंकि पूरा साल तो मैंने बच्चों को टाइम दिया है, अब मैं अपने करियर पर
रहना चाहती हूँ। और करियर क्या, हर समय अपने आप को ट्रेन करना ज़रूरी है। उन्होंने सपना देखा था कि मैं डांस करके अपनी करियर सेट करूँगी, अपना सब कुछ सीखूँगी और अपना जो ऑफिस का जो काम देख रही थी, औरतों के लिए प्रोजेक्ट जो कर रही थी होटल्स का, रेस्टोरेंट्स का, वो तो दिखाना ही बंद हो गया। और तीसरा चीज़ ये कि उन्होंने जो कहा था कि ये चीज़ करना है मुझे, अपने आप को रेडी करना है अपने सपनों को, कॉलेज जा रही थी वो पढ़ने के लिए, वो कॉलेज ट्रैक तो एकदम भी नहीं दिखा रहा है। राजन सर को सोचना चाहिए, जब सब ट्रैक दिखाने की कोशिश किए थे तो वो ट्रैक को भी एबिलिटी करते दिखाते, वो भी अनुज कपाड़िया के साथ। अनुज कपाड़िया जब उनके पति हैं तो उनके साथ जब उन्होंने स्टैंड किया है कि तुमको ऐसे करना है, तो क्यों नहीं वो ट्रैक दिखाया गया? जब उनके बिजनेस का ट्रैक दिखाना चाहिए, जब अपने उसकी डांस एकेडमी को आगे ले जाने का ट्रैक दिखाना चाहिए, जब वो कॉलेज जाके एमबीए का कोर्स कर रही थी तो वो वाला ट्रैक दिखाना चाहिए कि इससे ऑडियंस को या टीवी कैरेक्टर्स को भी लाइटली किया जाता कि देखो वो पढ़ने निकल सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, हम लोग भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि ये चीज़ सही नहीं दिखाया। बच्चे सबके पास में है, लेकिन कुछ ऐसा टाइम आता है कि बच्चों से हटकर भी किया जा सकता है। अपने बारे में भी सोचना चाहिए। हम लोग अपने बारे में तो बाद में सोचते हैं, फैमिली के बारे में पहले सोचते हैं। ये चीज़ गलत है। पहले अपने आप से प्यार करो, फिर किसी और से, और किसी और से प्यार करने के बाद, फैमिली को पहले रखने के बाद, इसका मतलब तो वो अपने आप से प्यार ही नहीं करते। पहले अपने से प्यार करना चाहिए, फिर किसी और के बारे में सोचना चाहिए। पहले अनुपमा ने जो डाइवोर्स होने के बाद जो वो अपने बारे में सोच रही थी, तो आई एम वेरी हैप्पी कि उनके अंदर कुछ था, प्रोसीजर्स और भी बहुत कुछ था कि वो आगे निकल रही थी। और अनुज कपाड़े का तो दाद देना पड़ेगा कि जब उनके दो दो बार एक्सीडेंट हुए और दोनों बार अनुपमा ने सेवा किया, वो सब शायद भूल गए हैं। वो जब मालविका ट्रोमा में थी, दो एक लड़के के प्यार के चक्कर में उन्होंने जो ज़बरदस्ती एक शादी करवाई थी उस लड़के से, वो लड़का भी उसे मारता पीटता था, उसके लिए वो सपोर्ट करके उन्हें उस ट्रॉमा से बाहर निकाली, यहाँ तक कि वनराज के पास जाने तक नहीं दी कि कहीं उसका करियर नहीं ख़राब हो जाए, ये सब चीज़ से हटाती गई। वो चीज़ भूल ही गए हैं अनुज कपाड़िया। उनकी बीमारी के चक्कर में, यहाँ तक कि शादीशुदा नहीं थी, डाइवोर्सी थी, लिविंग में रहकर उनका सेवा की, शायद वो भी भूल गए हैं अनुज कपाड़िया। मुझे सच में ये नहीं समझ में आता है कि रियल लाइफ में अगर हस्बैंड वाइफ में एक दूसरे में इतना सेवा होता है, और जो लिविंग में भी रहते हैं वो भी एक दूसरे का सेवा करते हैं, तो उसका कीमत जानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए उनके साथ। पर ये सीरियल की दुनिया है, सच पूरा ही माइंड अपसेट हो गया है कि कैसा दिखा रहा है और क्या सिखाना चाहते हैं राजन सर। राजन साई सर क्या सिखाना चाहते हैं मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। और रियलिटी आपको बताती हूँ मैम, जब से माया ट्रैक चालू हुआ है मैं तो देखना बंद कर दी हूँ, सिर्फ आपके रिवर्स सुनती हूँ, और थोड़ा वो जो इंस्टाग्राम में चेहरा बताता है और उसे दिखाता है वो मैं देखती ज़रूर हूँ, पर डिज्नी हॉटस्टार और यहाँ तक कि रात में जो 10 बजे हस्बैंड लोग जो मोबाइल टीवी का रिमोट सब दे देते थे, अभी हम लोग खुद बोलते हैं कि 10 बजे वाला रिमोट प्लीज़ उन लोग को दे दो, हम लोग को देखना नहीं है प्रोग्राम। बल्कि उस समय हम लोग सबको मिलकर आधा घंटा अंताक्षरी खेलते हैं, और अपना इंजॉय करके सो जाते हैं कि उससे मेरा माइंड रिलैक्स करता है। लेकिन ये चीज़ देखकर माइंड अपसेट करके सोना इज़ वेरी हम्बल एकदम, मतलब आदमी परेशान हो जाता है। नेगेटिविटी हर घर में पाई जाती है, लेकिन अंताक्षरी खेल कर जो सोने का स्टेमिना है बहुत अच्छा है। हम तो बहुत खुश हैं कि कम से कम इस टाइम पे अंताक्षरी हम लोग हाउसवाइफ और सब मिलके खेलते हैं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मैं तो मेरे फैमिली में, चाहे इतने सारे फैमिलीज में, कम से कम हम लोग 40 फैमिलीज हैं, लेकिन कभी भी हम लोग सब अनुपमा देखते थे, सब अनुपमा देखना धीरे धीरे करके बंद कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पसंद नहीं आ रहा ये ट्रैक। जब तक माया ट्रैक चलेगा और अनुज कपाड़िया जब तक अपनी वाइफ को इस तरह का बोलेगा तो हम लोग नहीं देखेंगे। इसलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेकर्स बात समझिए, ये औरत लोग इस प्रोग्राम को एंटरटेनिंग के लिए नहीं देखती हैं, इससे कुछ सीखती हैं, इसलिए प्लीज़ मत दिखाइए। और अंजू मैम एक न्यूज़ और देनी है, प्लीज़ मेरे बच्चों को कॉम्रेड कर दीजिए, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे फर्स्ट आए हैं, क्योंकि मैंने बहुत ध्यान दिया था इसलिए दोनों फर्स्ट आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मम्मा
आपको विश कर दिए, मैम को भी बोलो आपको विश करें, तो इसलिए प्लीज प्लीज उन्हें थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए, वो बहुत खुश हो जाते हैं आपकी आवाज सुन के। थैंक यू सो मच महिमा जी, आपने मेरी बात को समझा, और आपके बच्चों को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, उन्होंने आपकी बात आपकी मेहनत को पूरी तरह से साकार किया है, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच अपनी खुशियां भी और अपने गम भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपके बच्चों को ढेर सारा प्यार भी, उनको बहुत बहुत सारा प्यार दीजिएगा। थैंक यू, तो आगे बढ़ते हैं, आपको जाते जाते सुनाती हूँ सलमा का ऑडियो। हेलो मैम, मैं सलमा अंसारी, मैं बहुत दिन से आपका प्रोग्राम देख रही हूँ और मुझे बहुत पसंद आता है। आपकी जो नेगेटिविटी है वो एक दिल को बहुत सुकून देती है। जब हम कोई भी सीरियल का कोई भी हिस्सा हम देखते हैं, हम जानते हैं कि ये सीरियल है, और ये डेली सोप में इस तरह अप एंड डाउन होते रहते हैं, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते और हमारे मर्जी के खिलाफ कुछ कोई बात हो जाती है, वो हमको पसंद नहीं आती। ये अनुज का जो कैरेक्टर के बारे में आप कहती हैं, अनुज का कैरेक्टर देखा जाए तो पहले भी वैसा ही था। स्टार्ट में जब उसकी अनुपमा से इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी, तब तक उसने मालविका के बारे में उसको कुछ नहीं बताया। जब सामने जब उसके बात आती है, फिर वो बात को खोलता है। उसके बाद उसकी मालविका की शादी की बात छुपाई, वो भी इसी तरीके से सामने आने पर सब बताया। तो बहन के साथ भी उसका रवैया कोई ठीक नहीं था, वो सिर्फ अपना हक जताता है कि मैं बड़ा भाई हूँ, मैं बाप हूँ, लेकिन पैसे से ही सब कुछ नहीं होता। यार प्यार करते हो तुम, कि प्यार इतना करते हो कि हद से ज़्यादा, लेकिन सामने वाले की फीलिंग को नहीं समझते कि सामने वाला भी फील करता है हर बात को। तो ये कैरेक्टर है ना, शुरू से ही ऐसा रहा है। फिर वो अनुपमा की तरफ हुआ, अनुपमा को समझने लगा, सब कुछ जानने के बावजूद आज है ना 6 महीने नहीं हुए उसको, पूरे नहीं हुए। 6 महीने के लिए वो लोग ने अडॉप्ट किए थे ना बच्चा, 6 महीने भी पूरे नहीं हुए, और उसमें है ना वो उससे इतना ज़्यादा प्यार हो गया कि 26 साल का प्यार, उसके 2 दिन पहले तक उसके लिए उसको उसके दिल में इतना प्यार था, और 2 दिन में वो 2 पल में ख़त्म हो गया। तो ये कैरेक्टर इस तरीके का है ना, तो माया का भी जो कैरेक्टर है, माया जो है वो स्टार्ट में ही हमने उससे देखा था कि वो जो है हर एक की इंफॉर्मेशन निकालती है और सबके बारे में जानकारी करती है, तो वो अनु की माँ तो नहीं है, इतना तो हम लोगों को भी समझ में आ गया है। लेकिन जो माया बोलती है वही अनुज बोलता है। अगर माया को इस तरीके से लाना है तो माया के साथ शादी दिखाने का ट्रैक तो बिल्कुल नहीं लेके आना। ये ट्रैक अगर लेकर आए ना तो पब्लिक देखना ही बिल्कुल बंद कर देगी। उससे बेहतर है कि अनुज को मार डाले, कम से कम सबके दिलों में उसकी मोहब्बत और उसका जो एक कैरेक्टर था वो जिंदा रहेगा। लेकिन माया के साथ अगर वो शादी कर लेता है जिस तरह से बताया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। आज वो जो एपिसोड में दिखाया गया कि वो छोटी, वो तो सीन हमको हमको रुलाने के लिए ही सीन क्रिएट किया गया था, वो तो मैं इमोशनल हुए लोग होंगे भी, बट ये कि यहाँ तक ठीक है। बाकी इससे ज़्यादा अगर माया का कैरेक्टर आता है, हालांकि ये लोग कभी इतना कोई भी हिस्से को खींचते नहीं है, अगर इसको खींच लिया और माया के साथ अगर इसकी शादी होती है तो फिर बिल्कुल हम तो देखना ही बिल्कुल बंद कर देंगे, ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। थैंक यू मैम, मैं आज के लिए तो इतना ही कहूँगी, देखती हूँ मेरी बात कहाँ तक पहुँचती है, फिर मैं दोबारा फिर मैं आपसे रोज़ मैं आपसे बात करूँगी। थैंक यू सो मच सलमा जी, आपने मेरी तारीफ की, मगर आप गलती से पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी कह गई, बट मेरे तक आपकी पॉजिटिविटी ही पहुंची है, इसलिए थैंक यू सो मच। आगे भी आपके ऑडियो का इंतजार रहेगा, बाकी जो आपने अनुपमा सीरियल के लिए फीडबैक दी है उसके लिए वेलकम है इस
पब्लिक वॉइस वीडियो में, क्योंकि ये आप ही की वॉइस के लिए ये प्लेटफॉर्म हमने बनाया है। धन्यवाद बहुत सारा। तो दोस्तों ये थे आज के ऑडियो, कैसे लगे आपको? उम्मीद है आगे भी आपके ऑडियोस मिलते रहेंगे और नए नए लोग, नए नए व्यूअर्स, नए नए दर्शक हमारे साथ जुड़ते रहेंगे इस पब्लिक वॉइस वीडियो में। तो जाते जाते उन सब नए दर्शकों के लिए मैं एक नंबर शेयर करती हूँ जो सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल्स अटेंड नहीं होती है। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे आप अपने ऑडियो वीडियो भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल। धन्यवाद। सब्सक्राइब टू अवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।